हरे कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र दिया गया है। इस स्रोत में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र ने ग्राह के मुख से छूटने के लिए भगवान की स्तुति की थी और प्रभु श्री हरि ने गजेंद्र की उस पुकार को सुनकर उसे ग्राह से मुक्त किया था। हमारे वक्ता श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु जी अपनी अनुपम शैली में हमें गजेंद्र मोक्ष का महात्म्य बताएंगे। श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु जी ने ग्रेजुएशन करने के बाद सिम्बॉयसिस पुणे से ह्यूमन रिसोर्स में MBA किया है। सन 2005 में उन्होंने हरे कृष्णा भक्तों से भगवद गीता प्राप्त की एवं सन 2008 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी विभिन्न कंपनियों एवं कॉलेजों में व्यक्तित्व विकास पर सेमिनार भी लेते हैं। तो आइए कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुह स्वप्न नाशक और स्वर्ग तथा यशदायक व श्रेय साधक गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गजेंद्र जी अपनी प्रार्थनाओं में आगे कहते हैं, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गाम्यम अतेन्द्रियम सूक्ष्मम इवा तिदूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमेव। कैसे हैं प्रभु बताते हैं गजेंद्र जी, भगवान कैसे हैं? अति सूक्ष्म। भगवान को अधोक्षज कहा जाता है, जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकते। इसीलिए भागवत जो है वो माता यशोदा का गुणगान करता है, कहता है कि जिस प्रभु को, जिस भगवान को, जिस अधोक्षज कृष्ण को मुनि अपने मन की गति से दौड़ते हुए भी नहीं पकड़ सकते, उस भगवान को, उस परब्रह्म को यशोदा ने अपने हाथ से पकड़ के और उखल से रस्सी में बांध दिया। तो भगवान को इसलिए अधोक्षज कहा गया है, वो किसी की पकड़ में नहीं आते। ये भगवान जो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के भी ऊपर है, भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा शिव इत्यादि जो है वो भी भगवान की भक्ति में लीन है। यहां पे बताते हैं गजेंद्र जी, कई बार हम सुनते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी देवता का मंदिर है, प्रणाम करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि जैसे आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमको भी भगवान की भक्ति में लगाइए। क्योंकि बाकी जो भी हमें कुछ मांगना है वो किससे मांगना चाहिए? कृष्ण से मांगना चाहिए। जैसे एक पत्नी है, उसको जो भी चाहिए वो पति से मांगना चाहिए और जो पत्नी दे, पति दे पत्नी को, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। वो पत्नी जो इधर उधर जाके दूसरों से मांगे, उसके चरित्र को अच्छा नहीं माना जाता। वैसे ही जीवात्मा भगवान का अंश है, तो भगवान से ही मांगना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम गुण सुकृतिनो अर्जुन अर्थो अर्थार्थ जिज्ञास्यो ज्ञानी च भरतर शब। अर्जुन, चार प्रकार के जीव मेरे पास आते हैं। अर्थो, जिनको संसार में दुख है। अर्थार्थी, जिनको पैसे चाहिए। ज्ञानी और जिज्ञासु। बट भगवान कहते हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं, जैसे हमने अभी बताया हृदय में अभद्र भी क्यों न हो हमारे, बट भागवत का शरण लेने से, भागवत पढ़ने से, भगवान कृष्ण की शरण लेके भक्ति का कार्य करने से अभद्र खत्म हो जाता है। वैसे ही कुछ भी हमें चाहिए, हमें भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। फिर कहते हैं, यस्य ब्रह्म देवो देवा वेद लोक सराचर नाम रूप विभेदे न फलगव चकलाय कृतः। यहां पे कहते हैं कि
जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान भी जो मिला है वो आपसे मिला है। हम देखते हैं ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चार वेद वहां से प्रकट होते हैं, बट वो भी ज्ञान किसने दिया? भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। फिर कहते हैं यथाश्चरेशोग्ने सवितुर्गभत्ययो निर्यानि सम्यान्ति असकृत स्वरोचिशः तथा यथो अयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गः स वै न देवासुरमर्त्य तीर्यन् न स्त्री न संधो न पुमान न जंतुः नायं गुणकर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। गजेंद्र कहते हैं भगवान आप न स्त्री हो न पुरुष हो, आप न वृक्ष हो, आप न पशु हो, आप न पक्षी हो, आप न मनुष्य हो। जो द्वंद है संसार में, भगवान ने सारा संसार बना के हर जीवात्मा को अपना अपना नाम दे दिया कि ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये पौधा है, अलग अलग जो वैरायटी भगवान ने बनाई भगवान ने नाम दिया, लेकिन भगवान इन सब में नहीं आते। भगवान ने सिर्फ सृष्टि की रचना की, लेकिन हमने पहले भी कहा कि भगवान सृष्टि का हिस्सा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि सृष्टि बना के भी मैं सृष्टि से ऊपर हूँ, सृष्टि से परे हैं भगवान। तो अगर कोई व्यक्ति ढूंढना चाहे कि भगवान कौन है, तो ये भगवान है नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, नेति नेति सब जगह आपको हर चीज़ को कैंसिल करना पड़ेगा, तब लास्ट में कहीं अगर ढूंढे तो सृष्टि के बाहर ही भगवान मिलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे भगवान को हमें जानना चाहिए, लेकिन इसमें तो सदियां बीत जाएंगी, इसमें तो जन्मों लग जाएंगे और हम इस संसार में भटकते रह जाएंगे। तो जब भगवान कुछ नहीं है, जब भगवान है ही नहीं इस भौतिक सृष्टि में, तो उनको कैसे ढूंढेंगे? और हैं भी तो अति सूक्ष्म रूप में यहाँ पे रहते हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। कौन सा डॉक्टर, कौन सा साइंटिस्ट, कौन से माइक्रोस्कोप से परमात्मा को देख सकता है? नहीं देख सकता। कोई भी सूक्ष्म वस्तु, हम तो भौतिक सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देख सकते, जैसे मन, जैसे बुद्धि, जैसे अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर हमारा बना है मन बुद्धि अहंकार से, हम नहीं देख सकते। तो आत्मा परमात्मा तो अति सूक्ष्म और आध्यात्मिक है पूर्ण तरीके से, तो कैसे हम देख सकते? इसीलिए जो शॉर्टकट बताया भागवत में आचार्यों ने, हमें जो सरल तरीका बताया भगवान को प्राप्त करने का, वो है भक्ति के कार्य। जब हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन श्रवण करेंगे, तो भगवान खुद हमारे सामने प्रकट होंगे। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, सौतेली माँ से गुस्सा होके दुर्व्यवहार से उनके वो चले गए थे जंगल में। नारद मुनि मिले, वो गए जंगल में क्यों? भगवान ढूंढने। छोटा 5 साल का बालक, नारद मुनि बोलते हैं कि कैसे ढूंढोगे, भगवान तो ऐसे नहीं दिखेंगे। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं भगवान के नाम का जप करो। तो भगवान के नाम का जप करते हैं ध्रुव महाराज, तपस्या करते हैं, भक्ति साधना के नियमों का पालन करते, तपस्या करते, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। 6 महीने में, 6 महीने में भगवान उनके समक्ष आके खड़े हो जाते हैं, जिनको आप अपने आंखों से देख सकते हो, क्योंकि जो भगवान छुपे हुए हैं इस सारी सृष्टि में वो प्रकट हो जाते, जो अप्रकट रूप में है वो प्रकट हो जाते। कब होते हैं प्रकट? जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब वो प्रकट होते हैं भगवान। फिर कहते हैं यहाँ पे गजेंद्र जी, जी जीवेशे नाहम इहमु यकिम अंतर बहिश्चार्त्वेभ्य योनया इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस तस्यात्मलोक वर्णस्य मोक्षम। अब गजेंद्र कहते हैं कि प्रभु अब मैं थक गया, बहुत हुआ, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, अब मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। वैसे भी किस फायदे का ये हाथी का शरीर? गजेंद्र कहते हैं हाथी का शरीर, हाथी तमोगुण में होता है, अंदर बाहर तम ही भरा होता है। तो यह भी प्रार्थना से हमें समझना चाहिए। इसीलिए कुंती महारानी भी कहती है अपनी प्रार्थनाओं में, जो अकिंचन भक्त होता है, अकिंचन, जिसका कोई इच्छा नहीं, जिसका संसार में हो गया अभी, चलो अभी जाना है। कई बार हम कुछ कार्य में लगे रहते हैं
ऑफिस में जाते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट मिला रहता है, 1, 2, 3, 4, 15 दिन हम उसमें बिजी रहते हैं, तो बोलते चलो हो गया अभी। इसीलिए ना 5 दिन काम करने के बाद हमको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी के बाद हम वापस आ जाते हैं ऑफिस में, क्योंकि संसार में हमारी इच्छाएं अभी बहुत हैं। तो गजेंद्र कहते हैं कि अब मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तो जब तक हम निष्किंचन या अकिंचन भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। वो बनने के लिए क्या करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है, भागवत का श्रवण और कीर्तन करना है। हृदय में जब अभद्र खत्म होगा तब अपने आप सुमंगल, सब मंगल ही मंगल हो। तो बोलते अभी बहुत हमने संसार में रह लिया, देख लिया, अब मुझे यहां से निकालो। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदेशम विश्वात्मनम अजम ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। आप ही जो है वो तो विश्व की रचना करते हैं, आप ही विश्व को खत्म करते हैं, मुझे अब इस संसार से निकालिए। ये बार बार जन्म लेना अलग अलग योनि में, ये संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना, अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। भगवान को प्रार्थना करते करते यहाँ पे बहुत सुंदर एक प्रार्थना कहते हैं, योगरंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतो असियम। तो क्या कहते हैं कि जो योगी जो होते हैं वो अपने भक्ति से, अपनी तपस्या से अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, उस शुद्ध हृदय में आप प्रकट होते हो। कृष्ण भी कहते हैं, देखिए भगवद गीता में 6ठा अध्याय है ध्यान योग, जो आपको पूरा बताता है, वो इतना सुंदर भगवद गीता अति सुंदर है, उसमें 6ठा अध्याय आपको बताता है कि आपका मन कैसे कैसे कार्य करता है और कैसे आपको मन से डीलिंग करना है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को योगी बनो, योगी मतलब अपने मन पे वश करो। कैसे बनेंगे योगी, किस प्रकार के योगी बनेंगे, तो भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। कैसा योगी बनो, मेरा मत सुनो, स में युक्त तमो मतः। अर्जुन मेरा मत है वो योगी सबसे बेस्ट है, योगी नाम अपि सर्वेशाम सबसे बेस्ट योगी है। कौन योगी बेस्ट है, कौन है जो टॉप मोस्ट योगी है, मद गतेर अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते, जो हमेशा अपने अंतरात्मा में अपने मन में मुझे बसाए हुए है। श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा पूर्वक पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अर्जुन वो मेरा भजन करता है, वो है योगी। सिर्फ थोड़ा सा योग दिखाने से, कुछ चमत्कार दिखाने से, कुछ थोड़ा सिद्धि प्राप्त करने से योगी नहीं बनता, वो लो क्लास योगी है। जो योगी टॉप क्लास कौन है, जो योगी भगवान को अपने अंतर आत्मा में रखते हुए श्रद्धा पूर्वक भजन करता है और दूसरों को भी वही सिखाता है। आज योगा के नाम पे सिर्फ हम कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बल्कि योगा के जो परम सिद्धि है, जो समाधि का जो स्टेज है, वो क्या है, वो भगवान को अपने अंतर आत्मा में बसाना। चल भक्तिनाथ ठाकुर एक महान आचार्य कहते हैं कि मेरे हृदय में आके आप बस जाइए भगवान। बहुत सारे भक्त प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में रह जाए। मम मन मंदिरे रहो निशि दिन ओ कृष्ण मुरारी, निशि दिन दिन और रात ओ कृष्ण मुरारी आप मेरे हृदय में आके बस जाइए। तो ये होता है मंगल सुमंगल, और जैसे हमने देखा समुद्र आनंद, ऐसे आनंद के सागर में हम क्या करते रहेंगे, आनंद में मग्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे गजेंद्र जो है वो अब जाने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यहाँ से निकालो। नमो नमस्तुभ्यम शय वेग शक्ति त्रयाखिलाधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये तदिंद्रियानाम अनवाप्य वर्तमने। कहते हैं आप तीन शक्तियों से इस संसार को चलाते हो, और वो ऐसी शक्ति है, इतनी पावरफुल है कि उनको कोई पार नहीं कर सकता प्रभु आपके कृपा के बिना। वो क्या है, वो है काम क्रोध और लोभ।
इस संसार में हम सब फंसे हुए हैं क्यों? गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ ये क्या है, ये एक्सप्रेस हाईवे है अर्जुन, तुम इस पर चढ़ जाओगे डायरेक्ट नरक में पहुंचोगे। काम क्या है? चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो हम अपने इंद्रियों के लिए करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं उसको काम कहते हैं, और जो कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देने के लिए करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो हमको बनाया ही गया है, हमारी रचना ही हुई है, भगवान के अंश हैं, भगवान को प्रेम करने, भगवान को सेवा करने के लिए। जैसे ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये अगर हाथ इस शरीर का सेवा नहीं करता है तो ये हाथ का कोई मतलब नहीं है, ये हाथ है ही शरीर का सेवा करने के लिए। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान का सेवा करना ही हमारा धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, उसी में हमको आनंद मिलेगा। जो जहाँ पे है वो अपनी उस स्थिति पे आने से ही संतुष्टि का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। आप घर के बाहर जाइए, घूम फिर के आ जाइए देश विदेश में, लेकिन फिर अपने घर जब लौटते हैं तब जो आनंद और सुकून और संतुष्टि मिलती है वो परम है। तो हमारा घर भगवान का धाम है, हमारा जो धर्म है वो भगवान की सेवा है। ये काम ने हमको जकड़ के रखा है, क्रोध। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जागृत होता है, जैसे रावण, उसकी काम की पूर्ति नहीं हो रही थी तो क्रोधित हो जाता था। असुरी प्रवृत्ति है, क्रोध जो है वो असुरी प्रवृत्ति है। हमारी कोई इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती। संसार में किसकी इच्छा पूरी हुई? कोई भी भौतिक इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, कुछ इच्छा होती है कुछ नहीं होती, जो कर्म अनुसार मिलना है वो मिलता है। हम प्लान बना के रखते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा इच्छा पूरा होगा, जब नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ आसक्ति आ जाती है। जो हमारे पास है उसके प्रति आसक्ति, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये ऐसा संसार है जिसको हम छोड़ना भी नहीं चाहते। दुख की बात तो ये है, एक बार मैंने देखा, बड़ा अजीब चीज है संसार में, बहुत तरह चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक व्यक्ति ने एक ऐसे टोकरी रखी हुई थी, सब्जी बेच रहा था और उस टोकरी में केकड़े रखे हुए थे और खुला और केकड़े जिंदा है। तो मैंने जब पता किया तो बोले कि ये तो केकड़े का अचार बना के लोग खाते हैं, पता ये संसार में क्या क्या खा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई आपने ये जो केकड़े रहते तो खुले रहते, भाग जाएंगे अपने अपने, इनको थोड़ी मरना है। बोले प्रभु जी लोग भागते नहीं है, एक भागना जाएगा ना चार लोग उसकी टांग खींच देंगे, दूसरा भागना जाएगा दूसरे उसकी टांग खींच देंगे। तो पहले तो हमारे अंदर इच्छा भी नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, वो तो भगवान के बारे में सुनने से पढ़ने से आएगी। इच्छा आ भी गई तो ये काम क्रोध लोभ मोह को और नीचे खींचते रहते, तो फिर कैसे छुटकारा होगा? तो गजेंद्र कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से भूरी करुणा आया, आप कृपालु हैं, आपकी कृपा होगी। वो कैसे कृपा होगी? कोई बोल सकता है कि मुझ पे जब कृपा होगी उद्धार होगा तब तक मैं संसार में खेल रहा हूं? नहीं, आपको मनुष्य जन्म दे के भगवान ने कृपा कर दी। अब आप ढूंढो, तत्व जिज्ञासा करो, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करो, जाइए असली साधु को ढूंढिए, भगवद गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, नाम का जप करिए। भगवान ने शरीर दे के आपको कृपा की है, ऐसा नहीं कि जब कृपा होगी, कृपा हो गई। हमें जो प्रवचन दे रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, ये कोई पशुओं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कोई वृक्ष बैठ के लेक्चर सुन रहा है, मनुष्य के लिए। तो मनुष्य शरीर मिला मतलब कृपा मिल गई आपको, अब आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका दंड मिलेगा। कुछ लोग आलस के वश में बोलते हैं कि जब प्रभु कृपा करेंगे तब हमारा उद्धार होगा, नहीं प्रभु ने कृपा की है अब हमें आगे बढ़ना। फिर कहते हैं नायम वेदा स्वमात्मनम यक्षक्तयाम दीह हतम तम दुरत्ताय महात्मयम भगवंतमिति समीयहम। तो अब भगवान मैं इस जो बहिरंगा शक्ति है, जो आपकी शक्ति ने मुझे मोह में डाल के रखा है, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। ये जीव फंसता है, आप ही फंसाते हैं एक्चुअली। भगवान फंसाते हैं मतलब हमारी इच्छा होती है
कोई भी क्रिमिनल को गवर्नमेंट जेल में डालती है, यस, सभी क्रिमिनल को गवर्नमेंट ही जेल में डालती है, लेकिन ऐसे क्या उठा के डाल देती है, पुलिस घूमते रहती है, चलो इसको उठाओ इसको उठाओ, नहीं, जो क्राइम करता है, तो जो व्यक्ति बद्ध बनना चाहता है, जो व्यक्ति का इच्छा है भगवान से दूर जाने का, भगवान उसकी इच्छा पूरा करके अंधकार में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृपालु हैं, उनको निकालने का प्रयास कर। तो जब ये गजेंद्र ने प्रार्थनाएं की, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए गजेंद्र ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन देवताओं का भी नाम नहीं लिया, तो देवता सब खड़े थे, वो आए कैसे? अगर शिव जी को या ब्रह्मा जी को गजेंद्र बुला लेते तो आके बचा लेते, लेकिन वो उनको नहीं बुला रहे, कैसे पता पड़ेगा? नाम तो एक बार भी विष्णु नहीं लिया, श्लोकों में विष्णु या कृष्ण का नाम नहीं है, तो कैसे पता पड़ेगा? एक गुणों से पता पड़ता, ये जो गुण बोले गए वो भगवान के गुण है ना, तो इसीलिए शिव जी ब्रह्मा जी आदि देवता सब रुक गए, हमको नहीं बुला रहे, ये तो परम भगवान को बुला रहा है। और भगवान ने देखा तो बड़ी तेज गति से आए, और जैसे ही आते देखा गजेंद्र ने भगवान हरि को, गरुड़ जी पे विराजमान होके आ रहे, इतना दुख में था, 1000 साल से मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ के रखा था, इतना दुख में था, खाया पिया कुछ नहीं था, तो वहीं क्योंकि पानी में था, अपनी सूंड से उसने एक फूल वहां से कमल का जो खिल रहा था उसको तोड़ के और अपने प्रभु को अर्पित किया, तो भक्ति जागृत हो गई थी, अपने प्रभु को फूल अर्पित किया कि प्रभु यही है मेरे पास, भगवान ने बोल रहे मुझे नया चीज ला के दो, भगवान बोल रहे जो है वो दे दो मेरे को, उसी में सुखी है। अब सुदामा का उदाहरण देख लीजिए, द्रौपदी का उदाहरण देख लीजिए, जो थोड़ा सा सब्जी था लगा वो उसी से भगवान ने उनका उद्धार किया, सुदामा तो मांग के लाया था उसकी पत्नी, उसी में भगवान खुश हो गए। तो भगवान आए और गजेंद्र को बाहर खींचा, और क्यों, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो गजेंद्र को खींचा तो वो जो मगरमच्छ था वो भी खींचा बाहर आ गया, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत तत्कालीन वो मगरमच्छ का सर काट दिया, मगरमच्छ का सर काटते ही गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो ये मगरमच्छ भी पिछले जन्म में एक मनुष्य था और गजेंद्र भी मनुष्य थे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अब देखिए आचार्य ये भी कहते हैं कि गजेंद्र को छुड़ाया, लेकिन पहले गजेंद्र से पहले किसका मोक्ष हुआ? मगरमच्छ का, क्योंकि गजेंद्र एक भक्त थे, मगरमच्छ ने भक्त के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार पहले किया, तो इससे समझ जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो कहता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो कई बार हम बोलते हैं भगवान का है, हमको भगवान से मिलना है, भगवान को जानना, नहीं, भगवान नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे जो मेरे भक्तों का भक्त है। तो ऐसे भक्त है संसार में जो परंपरा में आते हैं, ऐसे ही एक महान भक्त जिन्होंने ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इसकी शुरुआत की, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी ने संस्था चालू की, ये दया है, ये भूरिदा जना है, प्रभुपाद जी भूरिदा जना है जो पूरे संसार में जा जाके प्रचार किए कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथा का, आज उनके प्रचार से कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा है। तो ऐसे संत का चरण पकड़ना चाहिए, और मतलब क्या है चरण पकड़ने का, वो जो कह रहे हैं, वो जो आदेश दे रहे हैं, उनको हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे भले के लिए दे रहे हैं वो जो भी निर्देश दे रहे हैं हमारे भले के लिए दे रहे हैं, तो हम उनका चरण पकड़ेंगे, भगवान हमारा उद्धार। यही है गजेंद्र का प्रार्थना। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।